हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू पीके द ग्रीन शेफ किचन। सो आज पीके द ग्रीन शेफ किचन में बनने जा रहे हैं कैरमलाइज मखाना रेसिपी। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आती है और हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर आज हम रेसिपी बना रहे हैं पीके द ग्रीन शेफ में। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं इसको कैसे बनाना है। बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। होप आपको रेसिपी पसंद आए। अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। इम्यूनिटी बूस्टर आज हम बनाने जा रहे हैं कैरमलाइज। सो कैरमलाइज मखाना बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसमें हम डालेंगे घी। यहाँ पर हम 1.5 टीस्पून डालेंगे अपना देसी घी। उसके बाद मैं यहाँ पर 50 ग्राम मखाना ले रही हूँ। हमें इसको ड्राई रोस्ट, हल्के घी में इसको रोस्ट करना है, जिससे कि क्रंची हो जाए, क्रिस्पी हो जाए मखानों को। 2 to 4 मिनट्स में ये मखाने ईजली क्रिस्पी और क्रंची हो जाते हैं। इसको आपको 1.5 चम्मच घी में भून लेना है, रोस्ट कर लेना है। अब कढ़ाई पे बना रहे हैं, फ्लेम आपका बिल्कुल मीडियम टू लो की तरफ होना चाहिए। अगर आप तेज आँच पे बनाएंगे तो मखाने जलने का डर रहता है। देखिए 2-3 मिनट्स में मेरे मखाने बनकर तैयार हैं। मैंने इसको एक बाउल में निकाल लेना है सारे मखानों को, और इसी कढ़ाई में हम इसको कैरमलाइज करेंगे, जो आज हम बनाने जा रहे हैं कैरमलाइज्ड मखाना रेसिपी। देखिए मैंने सारे मखाने अपने निकाल लिए हैं बाउल में। ये देखिए कितने बढ़िया मेरे क्रिस्पी क्रंची मखाने बनकर तैयार हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये टूट भी रहा है। चलिए आगे प्रोसेस पे चलते हैं, हमें क्या करना है ये देखिए। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक पैन ले लिया है, उसी पैन में हम अगेन डालेंगे 1 टीस्पून अपना घी। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 100 ग्राम अपना जैगरी गुड़। ये गुड़ को मैंने पीसेस में कट कर रखा है, 100 ग्राम लिया है ये गुड़। इसको हमें कैरमलाइज करना है, मतलब हमें इसको मेल्ट करना है। 1 चम्मच घी में हम इसको मेल्ट करेंगे घी अपने गुड़ को। ये देखिए इसको धीरे धीरे लो आँच पे ही करेंगे, तेज आँच पे नहीं करेंगे। तेज आँच पे करेंगे तो ये जलने का डर रहेगा, इसलिए आपको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कैरमलाइज्ड कर लेना है, इसको पिघला लेना है। जैसे ये पिघल गया है, देखिए मेल्ट हो गया, मैंने एक बाउल लिया है, उसमें पानी में एक ड्रॉप डाली है अपने गुड़ की, चेक करने के लिए कि वो पीस टाइट हो गया है गुड़ की नहीं। अब मैं इसके अंदर डाला है मैंने अपना ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून डालेंगे जिंजर पाउडर, सौंठ का पाउडर, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम सीसम सीड्स। 1/2 टीस्पून के करीब हमने डाली है इसके अंदर सीसम सीड्स, और 1/4 टीस्पून हम डालेंगे इसके अंदर ब्लैक सॉल्ट। ठीक है, ये हम क्यों डाल रहे हैं, गुड़ मीठा होता है, उसको थोड़ा खट्टा मीठा करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं ये सारी चीज़ें। ये देखिए अब मैं दोबारा से इसमें एक ड्रॉप डालूंगी और चेक करूंगी कि जो मेरा गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट होके रेडी हो गया है, मेरे मतलब टाइट बनना स्टार्ट हो गया नहीं हो गया, तो उसको हम सिंपल चेक करेंगे। उसके बाद मैंने क्या करा है, अपने जो मखाने मैंने रोस्ट करे थे वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिए, और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है कि हमने जो गुड़ को कैरमलाइज किया वो हमारे सारे मखानों के ऊपर आ जाए। ये देखिए अभी आपस में एक दूसरे से चिपक रहे हैं, तो इसको चिपकने दीजिए आपस में, उसको हम बाद में हटाएंगे। आपको इस टाइप से इसको मिक्स कर लेना है और इसको रेडी कर लेना है, और फ्लेम को बंद कर देंगे। उसके बाद हम एक ट्रे के अंदर, किसी भी प्लेट के अंदर अपने मखानों को निकाल लेते हैं। ये देखिए अभी बहुत गर्म है, धीरे धीरे इसको निकालिएगा। ये देखिए आपस में कितने एक साथ जुड़े हुए हैं, इसको ऐसे करके सब निकाल लीजिए। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं मीठे गुड़ के हमने बनाए हैं मखाना रेसिपी। बच्चों को भी खिलाइए, बड़ों को भी खिलाइए, इम्यूनिटी बूस्टर, हेल्दी। कभी भी मन हो मीठा खाने का 2-3 पीस लीजिए और खा लीजिए, बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये देखिए सो फ्रेंड्स रेसिपी तैयार है। देखिए ठंडे हो चुके हैं, ठंडे होने के बाद ही इसको अलग अलग करिएगा, गर्म गर्म में अलग अलग मत करिएगा, हो भी नहीं पाएंगे और हाथ भी जलेगा। तो आपको ठंडा कर लीजिए, उसके बाद इसको एक एक पीस अलग कर दीजिए। प्रॉपर ठंडा भी नहीं करना है, मतलब वो वार्म में हो जाए, रूम टेम्परेचर पे हो इसको, जिससे कि ईजली ये अलग हो जाए। ये देखिए इसको एक एक पीस अलग कर दीजिएगा, उससे ही बहुत बढ़िया रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। एक एक पीस को अलग करिए। ये देखिए अलग करने के बाद इसको और ठंडा करना रख दीजिएगा, ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची हो जाएंगे कैरमलाइज्ड मखाना। इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी आज हमने बनाई है, होप आप सबको बहुत अच्छी लगी हो रेसिपी। बहुत ही सिंपल
क्विक एंड फास्ट रेसिपी है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर पे अवेलेबल होते हैं और विंटर में इसको बनाएंगे तो और ही बढ़िया लगेगी। सर्दियों में खाइए इसको, बहुत ही टेस्टी यमी रेसिपी बनी है पीके द। सो फ्रेंड्स, कैरमलाइज मखाना रेसिपी इज रेडी टू सर्व। होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही सिंपल, क्विक एंड फास्ट रेसिपी हमने आज बनाई है, इम्यूनिटी बूस्टर हेल्दी रेसिपी पीके द ग्रीन शेफ में। होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक सब्सक्राइब पीके द ग्रीन।